नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है एक भुना मसाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि मैं किस तरीके से एक भुना मसाला बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है। मैंने एक पैन में दो मीडियम साइज़ के प्याज को पतले पतले बारीक कट कर लिए हैं और थोड़े से लहसुन और हाफ इंच अदरक के टुकड़े को मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। करने के बाद इसे एक अलग से बर्तन में मैंने निकाल के उसे ठंडा करने के बाद मैं इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। उसी पैन में, जिस पैन में हमने ऑनियन को फ्राई किया है, उसी पैन में हम अंडे को भी, बॉयल्ड एग को भी हम उसमें ऐड कर देंगे। करने के बाद इसमें थोड़ा सा हल्दी, बिल्कुल हाफ टी स्पून यहाँ पर मैं हल्दी ऐड करूँगी और बिल्कुल थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। हल्दी से इसमें अच्छा सा एक रंग आएगा और नमक से जो है स्वाद बढ़ेगा, इसलिए मैं हल्दी और नमक ऐड करने के बाद इसको फ्राई करूँगी अच्छे से। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे एक अलग से बर्तन में निकाल लूँगी और इसी कढ़ाई में मैं नेक्स्ट इसका ग्रेवी जो है वो रेडी करूँगी। अब उसी पैन में मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा और ऐड कर लिया है। करने के बाद मैं इसमें दो सूखी लाल मिर्च, दो इलायची और कुछ लौंग मैं यहाँ पर ऐड करूँगी और हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर ज़ीरा ऐड किया है। करने के बाद इसे मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी अच्छे तरीके से। जैसे ये थोड़ा सा अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए उसके बाद मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के तीन प्याज को बारीक कट कर लिए हैं, वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। प्याज को ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से हमें चलाना होगा, अच्छे तरीके से भूनना है मीडियम फ्लेम में। लो फ्लेम बिल्कुल मत कीजिएगा, अभी मीडियम फ्लेम में ही हमें इस रेसिपी को बनाना है। हम इसे मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे, जब तक कि ये प्याज थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए और इसका कलर ना चेंज हो जाए। देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से भून चुके हैं प्याज। अब मैं एक एक करके मसाले ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून में यहाँ पर गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून में यहाँ पर तंदूरी मसाला पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और 1 टीस्पून में यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। करने के बाद इसे हमें अच्छे तरीके से मसालों के साथ भूनना होगा करीबन और 3 मिनट के लिए। हम इसे अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम में ही भून लेंगे। देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से हम इसको भून चुके हैं और थोड़ा सा हम इसको भूनने के बाद इसमें हमने जो एक पेस्ट तैयार किया है उस वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसे हमें अच्छे तरीके से मिक्स करना है। करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए हमें इस मसाले के साथ अच्छे तरीके से फ्राई करते रहना है मीडियम फ्लेम में, जब तक कि ये अच्छे तरीके से भून ना जाए तब तक हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। हमें इसे अच्छे तरीके से भून लेना है मसाले को। 3 से 4 मिनट मैंने यहाँ पर भून लिया है मसाले को अच्छे तरीके से। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आ गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी देंगे, 1 कप पानी भी नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा पानी देंगे हम इसे, जिससे कि मसाले जो है वो जल ना जाए, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी देंगे। लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पर हरी मिर्च, हमने अभी तक मिर्च ऐड नहीं किया है, इसलिए मैं यहाँ पर चॉप्ड हरी मिर्च जो है वो ऐड कर रही हूँ तीखापन के लिए। आप जितना तीखा खाते हो उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पर देखिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है। करने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। करके अब जो मैंने अंडे को पहले फ्राई करके रखा हुआ है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। करके हमको 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के अब हमको लो फ्लेम करना है एकदम,
करके इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। ये रेसिपी सच्ची में बहुत अच्छी और बहुत ही टेस्टी बनती है। इस रेसिपी को आप चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी चीज़ के भी साथ खा सकते हो। बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी बनती है। देखा, यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुका है एक भुना मसाला, बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे एक अलग से प्लेट में। आज का मेरा ये वीडियो बस यही तक। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।